नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन न करने वाले लोगों को बिदर नगर सभा की ओर से लगाया जा रहा है चालान। लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कही यह बात। जस्टिस एनवी रमन देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद की शपथ। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मची हाहाकार, जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की हुई मौत, नए मरीजों के लिए ऑक्सीजन की है जरूरत। अब समाचार विस्तार से। बिदर नगर सभा की ओर से दो टीम बनाई गई है जो शहर में कार, बाइक और दूसरी गाड़ियों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को रोकते हुए उन्हें चालान कर रही है और मास्क लगाने के लिए उन्हें जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बसों में यात्री कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं चेक किया जा रहा है। सीएमसी चुनाव के लिए वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस उम्मीदवार दिगंबर वैजनाथ मडिवाल ने केपी न्यूज से बात करते हुए वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और वो इस वार्ड के विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे उसके संबंध में बताया। मैं असलम खान, केपी न्यूज 24x7 संवाददाता। सभी बिदर के दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 20 में दिगंबर वैजनाथ मडिवाल जी के पास, जो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल के पी न्यूज 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे भी आपको कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है, तो अभी सर आप ये वार्ड में या फर्स्ट टाइम खड़े हैं, तो आप इस वार्ड में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे और कांग्रेस ने आपको किस वजह से टिकट दिया है, सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सभी को नमस्ते बोलता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರ್ ವೈಜನಾಥ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಈ 20-20 ವಾರ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ। ಕರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಾನನ್ನು ಸುಮಾರೀಗ 6 ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗಳು ಏನದಂದ್ರೆ ತುಂಬಿ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರೋಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದ। ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದೇ ಅದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಈ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು। ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೈಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಓಟನ್ನು। बिदर नगर सभा चुनाव में शहर के वार्ड नंबर 7 में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मालन बेगम ने वार्ड में पिछले 12 साल से लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन आदि के लिए सहायता देती आई है और वह वार्ड के विकास में अधिक योगदान दिए हैं। इस आधार पर वह लोगों से आग्रह कर रही है कि वह उन्हें समर्थन दे और चुनाव में बहुमत से विजयी बनाए। केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। रहीम जी, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि इस वार्ड से आप क्यों ठहरे हैं और बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने आपको टिकट क्यों दिया है और आप जीतने के बाद इस वार्ड में क्या परिवर्तन लाएंगे और यहाँ के जो यूथ है, यूथ भी काफी आपके साथ नजर आ रहे हैं, इनके लिए आप क्या डेवलप करेंगे उसके बारे में बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं वार्ड नंबर 7 के सारे बड़े छोटे और मेरे माँ बहनों को सलाम अर्ज है। जो है सो यहाँ से 3 टाइम विनिंग पिछले हमारे काउंसलर थे, एक जो हम पहले उनको फॉलो करते थे, उनके फॉलोअप में थे, फिर गुज़िश्ता वक्त में जो हुआ उन्होंने जो जो वादे किए थे उन्होंने अपने वादों पे मुकम्मल चले नहीं, तो इस वजह से जो है ना यहाँ की आवाम ने, मेरे दोस्तों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने मुझसे अपील की कि आप जो है सो अपने वालदा को खड़े कीजिए, हम आपका साथ देंगे इंशाल्लाह।
तो उसी बुनियाद पे जो है ना हम बीएसपी पार्टी की टिकट लेके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आला मौके पे आला इख्तियार से हम आने की कोशिश करेंगे। सारा यूथ हमारे साथ है और बड़े छोटों का भी हमारे साथ है। जस्टिस एनवी रमन शनिवार को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। बताते चले कि जस्टिस रमन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 1 साल और 4 महीने का कार्यकाल होगा। वह 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस बोबड़े कल 23 अप्रैल को रिटायर हो गए। उन्होंने ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमन के नाम की अनुशंसा की थी। जस्टिस रमन आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध हैं। वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले आंध्र प्रदेश से दूसरे जज हैं। उनसे पहले 1966 से 1967 तक जस्टिस के सुब्बा राव इस पद को संभाल चुके हैं। जस्टिस सुब्बा राव 9वें चीफ जस्टिस थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार आंदोलन समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चल सकता है। किसान किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रखेंगे। टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मोदी सरकार की चालबाजी को समझ चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार गेहूं का आंदोलन था, अगली बार धान और नरमा का आंदोलन होगा। बॉलीवुड एक्टर और मुश्किल में फंसे लोगों के मददगार सोनू सूद ने कोरोना से जंग जीत ली है। उन्होंने महज एक हफ्ते में ही कोरोना को मात दे दी है, लेकिन कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद भी सोनू सूद के मदद करने की जज्बे में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उन्हें मजदूरों के मसीहा कहकर बुला रहे हैं। सोनू सूद एक बार फिर कोरोना मरीज के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने बेड के लिए 6 दिनों से भटक रहे नागपुर के एक मजदूर के लिए बेड का इंतजाम करवाया है। बता दें कि रोशनी बुराड़े नाम की एक ट्विटर यूजर ने सोनू सूद को टैग करते हुए अपने पिता के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध करने की अपील की थी। दिल्ली के रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की देर रात मौत हो गई है। अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि सरकार की तरफ से अस्पताल को 3.5 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है, जिसको कल से फिर रिफिल होना था, लेकिन देर रात रिफिल नहीं हुई। शुक्रवार की रात महज 1500 लीटर रिफिल की गई थी। इसी कारण अस्पताल के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और 20 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल ने बताया है कि वहां अभी 215 कोविड मरीज और भर्ती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, हर तरफ लोग परेशान हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने मुश्किल समय में भी लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के लिए इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर गुजरात से सामने आई है, जहां 4 महीने की एक गर्भवती नर्स लगातार मरीजों की देखभाल कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आयजा मिस्त्री नामी यह नर्स दिन भर रोजा रखकर अपना धर्म भी निभा रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। बीदर में नगर सभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव के मतदान 27 अप्रैल को होना है, इसको देखते हुए सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नवाज खान भी मैदान में मौजूद हैं। खान पिछले 5 सालों से अबुल फैज क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इस क्षेत्र में खान ने लोगों की सहूलत के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। अबुल फैज में अधिकतर लोग मजदूर और ऑटो चालक आदि हैं। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा जारी योजना के बारे में कोई मालूमात नहीं है, इसलिए नवाज खान ऐसे लोगों को दिशा निर्देश देकर उनके कार्य जल्द से जल्द करके दिए हैं। नवाज खान का कहना है कि वो अबुल फैज से सलम का टीका मिटा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में उतरते या ना उतरते, लेकिन अबुल फैज के लोगों की सेवा का सिलसिला हमेशा जारी रखते। नवाज खान ने क्षेत्र में कई बोरवेल, पानी की टाकी आदि स्थापित किए हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जब क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है, तब खान अपने तौर पर टैंकर से पानी की सप्लाई कर लोगों की समस्या को हल करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लगाया है, जिससे क्षेत्र में लोगों को
रात के समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नवाज खान अबुल फैज क्षेत्र में अधिक प्रिय है, लोग उन्हें चुनाव में उतरने के लिए भी आग्रह किया है। खान ने कहा कि आने वाले समय में वो चुनाव जीतते हैं तो वो जीत क्षेत्र के लोगों की है और क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पार्षद होंगे। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड। बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड विद्यानगर बीदर। फोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति ने उन लोगों को वित्तीय सहायता की मांग की है जो कर्नाटक में तालाबंदी और प्रतिबंध के कारण बेरोजगार है। केपीसीसी के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि राज्य में कई लोग अनौपचारिक लॉकडाउन से परेशान हैं और कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। इन स्थितियों में सरकार को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक बेरोजगार के बैंक खाते में 25,000 रुपए जमा करने की मांग की है। दिल्ली के अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाए हैं। ऑक्सीजन की कमी पर अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। कन्नड़ा फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर राजकुमार का आज 92वां जन्मदिन है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजकुमार के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर राज जो एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में विकसित हुए, जिन्हें कभी नहीं भुला जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, डॉक्टर राज आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह लाखों प्रशंसकों के दिल में मौजूद है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन न करने वाले लोगों को बिदर नगर सभा की ओर से लगाया जा रहा है चालान। लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, KPCC के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कही यह बात। जस्टिस NV रमन देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद की शपथ। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मची हाहाकार, जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की हुई मौत, नए मरीजों के लिए ऑक्सीजन की है जरूरत। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24x7। तब तक के लिए धन्यवाद।